अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेल्स पर्सन कमीशन और आइटम वाइज कमीशन को अप्लाई करना सीखेंगे। हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल के पहले हिस्से में कॉन्फ़िगरेशन स्टोर डेफिनेशन में जाकर सेल्स पर्सन डिफाइन करते वक्त उसके साथ उसका कमीशन भी सेट करना सीखा था। सेल्स एंड रिटर्न की स्क्रीन पर सेल पर्सन की सिलेक्शन को सेल करते वक्त यकीनी बनाने के लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स के टैब पर जाकर रिस्ट्रिक्ट सेल्स पर्सन सिलेक्शन के चेकबॉक्स को ऑन करें और मुख्तलिफ आइटम्स पर मुख्तलिफ सेल्स पर्सन को अटैच करने के लिए अनेबल आइटम वाइज सेल्स पर्सन का चेकबॉक्स ऑन करें। अपडेट का बटन दबाकर सेटिंग्स को सेव करें। अब सेल्स एंड रिटर्न की स्क्रीन को ओपन करें और सेल पर्सन जिसके साथ कमीशन को अटैच किया था उसे सेलेक्ट करें। आइटम ग्रिड में लोड करें और सेल कर दें। सेल करने के बाद इस सेल पर सेल्स पर्सन कमीशन चेक करने के लिए रिपोर्ट्स पर क्लिक करें और सी सेल्स रिपोर्ट में जाकर C12 सेल्स पर्सन वाइज सेल्स रिपोर्ट को ओपन करें। क्राइटेरिया सिलेक्शन में लाइन आइटम सेलेक्ट करने के बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करने से आपको सेल्स पर सेल्स पर्सन कमीशन SP कमीशन के कॉलम में नज़र आ जाएगा। इसी तरह अब आइटम वाइज कमीशन सेट करने के लिए यूटिलिटीज़ में प्रोडक्ट यूटिलिटीज़ में जाकर सेट आइटम वाइज सेल्स पर्सन कमीशन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आप सेल्स पर्सन कमीशन के सामने वैल्यू या परसेंटेज कमीशन एंटर करके भी ग्रिड में लोड की जाने वाली आइटम्स पर कमीशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के सामने क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके आइटम्स को ग्रिड में लोड करके उनका अलहदा अलहदा कमीशन परसेंटेज या वैल्यू में भी सेट कर सकते हैं। कमीशन सेट करने के बाद सेव करें और स्क्रीन क्लोज करके कैंडला कंट्रोल आर से रिफ्रेश कर लें। अब सेल्स एंड रिटर्न की स्क्रीन को ओपन करके वो आइटम्स जिनकी सेल पर कमीशन सेट किया है उन्हें ग्रिड में लोड करें और सेल्स पर्सन सेलेक्ट करके सेल कर दें। अब रिपोर्ट्स में C12 रिपोर्ट ओपन करें और डिपार्टमेंट सिलेक्शन के बाद जनरेट रिपोर्ट करने पर आपको सेल हुई आइटम पर सेट हुआ कमीशन SP यानी सेल्स पर्सन कमीशन के कॉलम में नज़र आ जाएगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सेल्स पर्सन कमीशन और आइटम वाइज कमीशन को अप्लाई करना और रिपोर्ट में चेक करना सीखा। कैंडला रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने का शुक्रिया।